أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اے لوگو ڈرو تم اپنے پالنے والے سے کہ جس نے پیدا کیا تم کو ایک ہی جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. جیسا کہ آپ حضرات یہ بات مسلسل سن رہے ہیں کہ سورۃ النساء کا جو مرکزی مضمون ہے, دعوی سورۃ ہے, وہ ہے اصلاح معاشرہ. یہ سورۃ کا دعویٰ ہے, اس سورۃ کا مرکزی مضمون ہے. اور سورۃ النساء کا جو پہلا رکوع ہے, اس پہلے رکوع کا خلاصہ کیا ہے؟ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا. کیونکہ حضرت شیخ التفسیر رحمہ اللہ کی جو بات آپ کی خدمت میں بیان ہوئی ہے, اس میں انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ یہی ہے کہ جس گھر میں آنے والا مال حلال ہے تو اس گھر میں پھر خیر کا سنگ بنیاد رکھ دیا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر کا سنگ بنیاد رکھا جائے تو اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں آنے والا جو مال ہے اس میں ناجائز کی ملاوٹ کو کیا کر دے, روک دے. تو چونکہ اس سورہ مبارکہ کا دعویٰ ہے اصلاح معاشرہ, اسی کے لیے اللہ رب العزت نے تمہید میں یہ بات ذکر فرمائی ہے بالکل پہلی آیت مبارکہ میں, کہ جس میں فرمایا کہ تم سب کا خالق ایک ہے, پھر فرمایا کہ تم سب کا باپ بھی کیا ہے, ایک ہے. جب تم سب کا باپ ایک ہے, تم سب ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے ہو, تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارو. کل کے درس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک حدیث پاک عرض کی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع میں جو بات پہلے نمبر پر ارشاد فرمائی وہ یہی تھی کہ ایوہ الناس, اے لوگو, ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, کہ تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا اب بھی کیا ہے, ایک ہے. سمجھے گی؟ اور پھر اسی ایک جان سے اللہ نے اس کی بیوی کو پیدا کیا, پھر ان دونوں کے ذریعے سے بس منہما رجالا کثیرا ونساء,
उससे बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतों को क्या कर दिया, फैला दिया। अब ये जो आयत मुबारक के अल्फाज हैं कि खलकुकुम मिन नफ्सिम वाहिदा, एक ही जान से तुमको क्या किया है, पैदा किया है, तुम सब की असल एक है, खा रंग के एतबार से मुख्तलिफ हो, कद्दो कामत के एतबार से मुख्तलिफ हो, लेकिन असल के एतबार से तुम सब क्या हो भाई, एक हो। इसके ऊपर जो है एक और मसला जो है वो मुफस्सरीन ने जिक्र किया है, लेकिन उसके लिए जो है जो हम गुनाहगार हैं, फकीर लोग हैं, हम इसके लिए बदनाम हैं। लेकिन ये इस वक्त जो मेरे सामने तफसीर है ना, ये है तफसीर तिबियानुल कुरान अल्लामा गुलाम रसूल सईदी बरेलवी साहिब की, आला हजरत के मसलक के ऊपर हैं और इनकी बड़ी ये तफसीर है, तफसीर तिबियानुल कुरान। इन्होंने भी ये अहादीस पाक जो हैं वो नकल की हैं। जिस जो कल अहादीस मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि तुम्हारा बाप भी एक है और तुम्हारा रब और अब क्या है, एक है। इसके ऊपर इन्होंने मसला जो है वो साबित किया है, असल में पीछे बड़े हजरात ने साबित किया है। तो कहते हैं कि बाज लोग कहते हैं कि सादात का निकाह गैर सादात में जायज नहीं। एक बड़ा मसला है शरीयत का, बाज लोग कहते हैं कि सादात का निकाह गैर सादात में जायज नहीं, वो सिर्फ एक सूरत में, क्योंकि अगर कोई गैर सैयद सादात को अपनी बच्चियां दे दे तो इसको तो सब क्या कहते हैं, जायज कहते हैं। लेकिन सादात की कोई बच्ची किसी दूसरे आदमी के निकाह में चली जाए तो उसको कुछ जाहिल लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जायज नहीं है। तो कह रहे हैं कि इन अहादीस से ये बात वाज़े होती है कि ये नजरिया सही नहीं है, ये नजरिया सही नहीं है। सही नजरिया क्या है कि जिस तरह बाकी लोग सादात के साथ अगर अपनी बच्चियों के निकाह कर दें तो वो शरीयत में जायज है, इसी तरह अगर कोई सैयद जो है वो अपनी बच्ची का निकाह गैर सैयद से कर दे तो ये भी शरीयत में क्या है भाई, जायज है। समझ आएगी जनाब वाला। तो ये उन्होंने इस आयत मुबारक के इस हिस्से से साबित किया है कि खलकुकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, समझ आएगी। क्योंकि कल भी आपने ये बात सुनी कि किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर महज इस एतबार से कोई फजीलत हासिल नहीं है, समझेगी ना। अब असल में तो बड़ा मसला जो है ना आजकल इस सिलसिले में, जो अपनी सुन्नी कहलाने वाली जो आवाम है उनकी इस्लाह है और उनकी तरबियत है। अब आप ये देखें कि इसके लिए जो अहले सुन्नत कहलाने वाले लोग हैं उनको तो इसका इनकार करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नादानी समझ लें या इसको बहुत बड़ी जिहालत समझ लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं, क्यों जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थीं, चार थी ना। उनमें से आपने एक बेटी का निकाह जो है वो हाशमी से किया है, और वो कौन है, हजरत अलीउल मुर्तजा है। बाकी आपकी तीनों बेटियों का जो निकाह है वो गैर हाशमी लोगों से हुआ है। आपकी बड़ी बेटी हजरत जैनब का निकाह किससे हुआ है, अबुल आस बिन रबी से, समझ आएगी जनाबे वाला। तो वो भी जनाबे वाला गैर हाशमी है। इसी तरह आप देख लें कि बाकी जो दो बेटियां हैं हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम, इन दोनों का निकाह किससे हुआ है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ है। तो क्या ख्याल है, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो भी बनू हाशम में से नहीं है। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता जो है वो खानदान बनू उमैया में दिया और एक बेटी का रिश्ता अबुल आस बिन रबी को दिया है, तो क्या ख्याल है इसके बाद किसी और की कोई ऐसी बेटी हो सकती है जिसके बारे में ये दावा किया जाए कि उसका निकाह गैर सैयद से हो सकता नहीं है, समझ आएगी जनाबे वाला। तो असल में जो एक हमारे अब सुन्नी कहलाने वालों में एक नया तबका जो बढ़ रहा है और उन वो असल में अपने अमली तौर पर अपने अकायद के एतबार से वो
मुकम्मल तौर पर राफजी बन चुके हैं, तो वो जनाबे वाला आजकल ये बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो तुम कहते हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अपनी दो बेटियां जो हैं वो खानदान बनू उमैया में ब्याह करके दी हैं, क्योंकि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अनु का ताल्लुक किस खानदान से है, खानदान बनू उमैया में से, और वो कहते हैं कि हम ये तस्लीम ही नहीं कर सकते कि अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान को दो बेटियां दी हो। क्यों? इसलिए कि ये खानदान तो अल्लाह के नबी का मबगूज खानदान है। ये किस तरह हो सकता है कि एक मबगूज खानदान के अंदर अल्लाह के नबी अपनी बेटियों के क्या दे दें, रिश्ते दे दें, समझे कि ना? तो इसका मतलब ये है, गोया कि वो अपने अल्फाज में ये बताना चाहते हैं कि हजरत उस्मान भी अल्लाह के नबी की नजर में क्या है भाई, मबगूज है। क्यों? इसलिए कि आप ये देखें कि किसी एक खानदान में चंद अफराद ऐसे हों जो अच्छे ना हों, तो उसका क्या मतलब होता है कि पूरा खानदान ही मबगूज हो जाता है। इसका तो फिर मतलब यह है कि बनू हाशम को भी मबगूज होना चाहिए, क्योंकि बनू हाशम के एक आदमी की मुजम्मत कुरान में नाम लेकर बयान की गई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, समझ आएगी ना? अब बनु उमैया के तो किसी आदमी का नाम लेकर उसकी कुरान में मुजम्मत बयान नहीं की गई, मगर बनु हाशम के एक आदमी का नाम लेकर उसकी मुजम्मत बयान की गई है, तब्बत यदा अबी लहब व तब। तो इसका क्या मतलब है कि अब अल्लाह के नबी का अपना खानदान भी मबगूज हो गया है? नहीं, इस किस्म की बात नहीं है। असल में जो है वो इसके जरिए से ये साबित करना चाहते हैं, और फिर वो जो बनु उमैया में से जो घर उनके वो सबसे ज्यादा मबगूज साबित करना चाहते हैं, वो तो आप जानते हैं कि किसका घर है, हजरत अमीरे मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है और जनाब अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु का घर है। कहते हैं चूंकि ये घर जो है बड़ा मबगूज घर था और बड़ा ही जनाबे वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन का घर था, तो हम तस्लीम करते हैं कि फतेह मक्का तक इस घर के अंदर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत होती रही है, लेकिन फतह मक्का के मौके पर पूरे खानदान ने क्या कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का हुआ और आपने ऐलानात फरमाए कि जिसमें फरमाया कि जो बैतुल्ला में दाखिल हो जाए उसके लिए भी क्या है, अमन है, इसी तरह आपने फरमाया कि जो अपने हथियार डाल दे उसके लिए भी क्या है, अमन है, और एक ऐलान आपने ये भी फरमाया जो सही मुस्लिम के अंदर है, फरमाया मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी क्या मिल जाएगा, अमन मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है, मबगूज जो घर था उसके घर में अल्लाह के नबी दाखिल होने के लिए कह रहे हैं कि जो उस घर में दाखिल हो जाए उसको क्या मिल जाएगा, अमन मिल जाएगा। तो इसलिए ये एक मसला था जो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। और एक बड़ी दलील आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं जिसका आज तक रवाफिज भी इनकार नहीं कर सके, वो क्या है कि हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी जो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थी, उम्मे कुलसूम जिसका नाम था, उसका निकाह करके दिया था किसको, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को। अब बताइए कि गैर सैयद से निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, समझ आएगी जनाब? आज तक राफिजियों ने इसका इनकार नहीं किया। हाँ, एक बात वो करते हैं कि ये जबरदस्ती रिश्ता जो है उमर ने हमसे क्या है, छीन लिया था जनाबे वाला, लेकिन इस बात का इनकार उनके पास नहीं है कि वो ये कहें जनाबे वाला कि ये निकाह नहीं हुआ, समझेगी? तो ये सारी बातें जो हैं शरीयत इस्लामी के अंदर जो चीज हराम नहीं है उसको सिर्फ एक अकीदत के तौर पर लोगों ने क्या कर दिया है, हराम करार दे दिया है, और उसके जिबन में उन्होंने भी इनकार कर दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के जो रिश्ते हुए गैर सैयद लोगों के अंदर, गैर हाशमियों के अंदर। जनाबे वाला, एक शायद आप दोस्तों को याद हो या ना याद हो कि कुरान मजीद की इस्तिलाह के अंदर और हदीस पाक की इस्तिलाह के अंदर सैयद जो है किसी खास कौम का नाम ही नहीं है, किसी खास कौम का क्या है, नाम ही नहीं है, समझ आएगी जनाबे वाला? सैयद जो है ये कुरान मजीद की इस्तिलाह के अंदर दो मकाम पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक तो जो खामद है उसको क्या कहते हैं, सैयद कहते हैं, समझ आएगी? कुरान मजीद की इस्तिलाह में वो जहां पर मौजूद है ना कि जुलैखा जो है वो जन पीछे पीछे थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या थे, आगे आगे थे, वहां पर सूरत यूसुफ के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि दोनों दौड़े हुए जा रहे थे, वह अल्फया सैयदहा,
अल्फया सैयदहा, और दोनों ने पाया उसके सैयद को, उसके क्या है सैयद को। तो वहां पर सैयद किसको कहा गया है, खामद को कहा गया, समझेगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कौमियत है ना, या जो आपका खानदान है, वो सैयद खानदान नहीं, उसको क्या कहते हैं, हाशमी खानदान कहते हैं, समझेगी जनाब। बनू अब्दुल मुत्तलिब और हाशमी उसको कहा जाता है। ये तो अब एक जो है ना खास चल निकला है कि ये कौम है जनाबे वाला, कुरान सुन्नत की इस्तिलाह के अंदर ये कौमियत के तौर पर इसको इस्तेमाल किया ही नहीं गया, समझेगी। बहरहाल ये बात है कि हाशमी खानदान की लड़की का गैर हाशमी के साथ निकाह ना सिर्फ ये कि शरीयत में जायज है, बल्कि अल्लाह के हबीब ने अपनी तीन बेटियों के रिश्ते करके गैर हाशमी लोगों को क्या है दिए हैं। और इसी तरह हजरत अली अल मुर्तजा ने अपनी उस लखते जिगर का, जो हजरत फातिमातुज़ ज़हरा से थी, उनका निकाह करके दिया है किसको, हजरत फारूक आजम को। इससे ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर साबित हो गई है। अब ये बात जो है अपने लोगों को पहले समझानी क्या है भाई, जरूरी है। अब आप ये देखें, एक और मसला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगी इस हवाले से, वो ये है कि जो यानी कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की नस्ल से जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद है ना, उसको आले नबी कहा जाता है, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कहा जाता है। लेकिन आज जो जनाबे वाला सादात है ना, उन्होंने अपनी इस नस्ल का और इस फजीलत का इनकार कर दिया है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि हमारी नस्ल जो है अली के बाद, वो तो अबू तालिब के पास जाती है। हमारी नस्ल जो है ना, वो अली के बाद किधर जा रही है, अबू तालिब के पास जा रही है। और आप हैरान होंगे कि ये अल्लाह के नबी की गुस्ताखी जो है ना, किसी शीए ने नहीं की, ये सुन्नी कहलाने वाले लोगों ने की है, समझ आएगी। चूंकि वो आजकल इस मसले पर बहुत चल निकले हैं कि जो अबू तालिब को मोमिन नहीं मानता, हम उसको भी मोमिन मानते नहीं है, समझ आएगी। तो वो तो उनके अपने मकतबे फिक्र से ही लोगों ने उनकी बड़ी जबरदस्त तरदीद की है और उसके जवाब दिए। लेकिन वो ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, एक जो उनका पीर है बहुत बड़ा, वो ये बात कर रहा था, कहते हैं देखो हमारी नस्ल चलते चलते हजरत अली तक पहुंच गई, अली के आगे मोहम्मद है या अबू तालिब है, तो लोग कहते हैं कि अबू तालिब है। तो फिर वो अजीब बात करता है, कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो यहां पर तो होना चाहिए आले अभी तालिब, क्योंकि हम तो मोहम्मद की नस्ल से हैं ही नहीं, हम तो किसकी नस्ल में से हैं, अबू तालिब की नस्ल में से, क्योंकि अली के बाप कौन है, अबू तालिब है ना। तो वो कहते हैं कि हम तो चूंकि अबू तालिब की नस्ल में से है, लेकिन अल्लाह ने क्या हदीस पाक में क्या आ गया कि मोहम्मद व आले मोहम्मद, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबू तालिब को मोहम्मद के अंदर जम कर दिया है। अबू तालिब को क्या है, मोहम्मद के अंदर जम कर दिया है जनाबे वाला। लिहाजा जो अबू तालिब था, रब ने उसी को ही मोहम्मद बना दिया है, उसी को क्या बना दिया है, मोहम्मद बना दिया है। लिहाजा अब जनाबे वाला अबू तालिब और मोहम्मद में कोई फर्क नहीं है जनाबे वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद की जात को जम कर दिया है, दाखिल कर दिया है किसमें, अबू तालिब के अंदर। सो ये बिल्कुल झूठ है जनाबे वाला। इस पर एक पूरा लेक्चर है अर्ज करने वाला, सिर्फ एक उस सिलसिले में बात अर्ज करता हूं कि औलाद अली का अपने दौर के अंदर इस मसले में एक तारीखी मुनाजरा हुआ था हज्जाज बिन यूसुफ के साथ मोहम्मद बाकिर का, इमाम जैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं ना मोहम्मद बाकिर, उनके साथ एक तारीखी मुनाजरा हुआ था मदीना में हज्जाज बिन यूसुफ के साथ। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने उनसे कहा, तुम औलाद अली हो, औलाद नबी नहीं हो, आज के बाद तुमने अपने आप को औलाद नबी नहीं कहना, समझ आएगी। तो वो बड़ा सख्त किस्म का आदमी था। तो मोहम्मद बाकिर जो है वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, हम औलाद अली भी हैं और औलाद नबी भी हैं। अब ये तफसीर कबीर में इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने और बकिया मुफस्सरीन ने इस वाक़े को और इस तारीखी मुनाजरे को जिक्र किया है। तो उसने कहा कि आप तो औलाद अली में से हैं, आप किस तरह औलाद नबी में से बन गए हैं। तो इमाम मोहम्मद बाकिर ने कुरान मजीद की इस आयत से इस्तदलाल किया और अपना नबी के साथ जो रिश्ता है औलाद वाला, उसको किसके जरिए से जोड़ा है, जरा देख लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये सातवें पारे के अंदर आयत जिक्र की है, ये आयत मोहम्मद बाकिर ने हज्जाज बिन यूसुफ के सामने पेश की थी, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं
नबियों का तज़किरा करते हुए फरमाया वहबना लहू इसहाक व याकूब, और हमने अता किया इब्राहिम को इसहाक भी और याकूब भी। कुल्लन हदैना, हमने उन सब को राय रास्त पर चलाया। वनूहन हदैना मिन कबलो, और इससे पहले और इब्राहिम इसहाक और याकूब से पहले हमने नूह को भी हिदायत पर चलाया था। वमिन जुर्रियती ही, और उस इब्राहिम की औलाद में से, आप तवज्जो करना जरा, और उस इब्राहिम की औलाद में से कौन है? दाऊद है और सुलेमान है, व अय्यूबा और अय्यूब है और यूसुफ है, व मूसा व हारून, व कदालिक नजल मुहसिनीन। आगे फरमाया व जकरिया व यहया व ईसा व इल, यहां पर आकर मोहम्मद बाकर रुक गए। कहा कि अल्लाह कह रहे हैं कि इब्राहिम की औलाद में से कौन कौन है? दाऊद है, सुलेमान है, अय्यूब है, यूसुफ है, मूसा है, हारून है, जकरिया है, यहया है और कौन है? ईसा है। कहा हज्जाज तू ये बता कि ईसा अलैहिस्सलाम का तो बाप ही कोई नहीं, वो किस तरह इब्राहिम का बेटा है? ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान क्या कह रहा है? वमिन जुर्रियती ही, और उस इब्राहिम की औलाद में से, या पीछे नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, अब ईसा अलैहिस्सलाम का तो बाप ही कोई नहीं है, वो किस तरतीब से जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है? अपनी वालदा, हाँ जनाब वाला हजरत बीवी मरियम सिद्दीका की तरफ से वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की क्या बनी है? औलाद बनी है। तो मोहम्मद बाकर ने कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की तरफ से इब्राहिम की औलाद बन सकते हैं तो हम फातिमा के जरिए से मोहम्मद की औलाद भी बन सकते हैं। समझ आए कि जनाब? तो जो असल लोग थे उन्होंने तो अपनी निस्बत अल्लाह के नबी के साथ जो जोड़ी है और उस पर जो दलाइल जिक्र किए हैं वो तालिब के जरिए से या फातिमतुज़्ज़हरा के जरिए से, फातिमतुज़्ज़हरा के जरिए से। समझ आए कि जनाब? तो ये आजकल जो है ना जो जाली लोग हैं जनाबे वाला, जिनको हकीकत हाल का पता ही नहीं जनाबे वाला, बस वो उठ खड़े हो गए हैं और लोगों के अंदर एक अकीदत है जनाबे वाला, और लोग ये समझते हैं कि चूंकि हमारे पीर साहब का बेटा है, गद्दी नशीन है जनाबे वाला, हाँ वो साहिब शरीयत है या नहीं है, हाँ वो कुरान सुन्नत को जानता है या नहीं जानता, बस जो बात उसने कर दी है उसी के हम क्या हैं? लकीर के फकीर हैं। बहरहाल ये इसके ऊपर और भी मुफस्सरीन ने काफ़ी सारी बातें इस उनवान से और रिश्तों के हवाले से जिक्र की हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। बस इतनी बात काफ़ी है कि हाशमी लड़की का गैर हाशमी मर्द के साथ न सिर्फ ये कि शरीयत में निकाह जायज़ है, बल्कि ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तीन बेटियों का रिश्ता करके क्या है? दिया है गैर हाशमी को। और इसी तरह जनाबे वाला हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने अपनी बेटी का रिश्ता करके दिया है किसको? हज़रत फारूक आज़म। اللهم انت السلام ومنك السلام